नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग कुछ सितार के तकनीकी के बारे में सीखेंगे। सितार बजाने के लिए काफ़ी तकनीकी का विकास किया गया है। दाहिने और बाएं हाथ की दोनों ही तकनीकियां प्रयोग में की जाती हैं और उनका हमारे संगीत विद्वानों के द्वारा काफ़ी मात्रा में डेवलपमेंट किया गया है। तो आज हम उन्हीं के बारे में कुछ प्रारंभिक जो बेसिक टेक्निक्स हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पहले के वीडियो में बताया गया है कि हाथ का रखाव और कैसे उंगली का संचालन करेंगे, तो इसमें ये उंगली जो है ये अधिकांशतः पाँच के तार पर उंगली रखी रहती है या इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है, और दूसरी वाली जो उंगली यानी मध्यमा उंगली हम लोग की है इसका प्रयोग पलटने के लिए या कृंतन बजाने के लिए किया जाता है अधिकांशतः, या जमजमा बजाने के लिए। तो जैसे आप देखेंगे इसमें हम ये वाली उंगली पर ध्यान देंगे आप, ये उंगली बहुत कम उठेगी या नहीं उठेगी, और उठने बैठने का काम यही उंगली ज़्यादा करेगी। तो इस तरीके से इसमें ये टेक्निक है उंगली की। अब इसमें हम आते हैं दाहिने हाथ की टेक्निक में। दाहिने हाथ में कुछ इसमें अनेक प्रकार के बोलों का प्रयोग किया जाता है, तो आज कुछ बेसिक जो बोल हैं खासकर जो कि रज़ा खानी और मसीद खानी गतों में और तान बजाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो पहला जो साधारण बोल है वो है दा रा दीर दीर। तो इसको सबसे पहले रियाज करना चाहिए, और इसके भी पहले हमें सबसे पहले बोलों की सेटिंग के लिए दारा दारा या धीरे धीरे का प्रयोग, जैसे कि दारा दारा, तो इसमें ये दारा दारा का प्रयोग हो रहा है। फिर इसी में अगला जो स्टेप है वो दारा धीरे धीरे, दारा को ही अगर हम तेज बजाएंगे तो वो धीर में बदल जाएगा। जैसे ये दारा बजा और इसको अगर जल्दी बजाएंगे तो उसके जितनी देर में दा बज रहा है उतनी देर में अगर हम दारा को बजा देंगे तो धीर हो जाएगा। ये दारा बजा और एक दा के टाइम इंटरवल में ही अगर हम धीर उसको डबल बजा देंगे तो धीर हो जाएगा। ये दा धीर तो हमें बजाना है दारा धीरे धीर, ये हो गया। जैसे कि ये चल रहा है दा रा धीरे धीर, इसी को हम यहाँ पे तार पे अप्लाई करेंगे। इसी तरह किसी इसका आकर्ष ये आरोह अवरोह में हम इसको बजा करके रियाज करेंगे। इसके बाद का बोल है दा दीर दा रा, इसका भी प्रयोग बहुत अधिक होता है। को भी आरोही अवरोही में बजाएंगे, और इसमें इसको और ज़्यादा खोलेंगे दाहिने हाथ में बाएं हाथ में। तो इसको खोलने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम बजाए तो इसमें पर एक सा पर ही बजाया था दा दीर दारा, अब इसको क्या करेंगे सा रे रे ना, तो सा पे दा रे पर दीर, अब गा पे दारा, ये पूरा बन गया। और इसमें फिंगर को आप देख रहे हैं किस तरीके से यूज़ हो रहा है, यानी कि अगर हमें सारे गा बजाना है और इसके बाद फिर रेगा में बजाना है अगला स्टेप, तो गा पर वापस जाना है तो ये हम
इस फिंगर को यूज़ करेंगे और इसके बाद इसको उठाएंगे तो ये रे वापस आ जाएगा, गा मा, रे गा मा बजेगा। तो इसी को फॉलो करते हुए हमें सा रे रे गा मा, अब इसके बाद ये उंगली उठाएंगे तो रे रे गा गा मा मा, और फिर ये हमारा जो सेटअप है ये रिपीट होता जाएगा। इस तरह उल्टे में आएंगे इसको। अब इसमें यहां से ये फिंगर एक बार प्रयोग होगी, तो इसको कई बार प्रयोग करके प्रयास करके इसकी स्पीड बढ़ाएंगे और इसको कोशिश करेंगे कि पूरे सभी सप्तकों में अगर बजाएंगे तो आपका हाथ का जो, क्योंकि यहाँ पे पर्दों की चौड़ाई देख रहे ज़्यादा है और धीरे 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 क्रमशः ये कम होती चली गई है, तो आपके जो फिंगर का सेटअप है इसके हिसाब से एडजस्ट करेगा इसको। तो ये हो गया। इसके बाद अगला जो बोल है वो है दा दीर दीर दीर, यानी कि इसमें दीर की जो संख्या है वो बढ़ गई है। पहला स्ट्रोक दा का है और उसके बाद तीन बार दीर बजाना है, यानी दा दीर दीर दीर। तो इसको भी पहले आप एक स्वर पर प्रैक्टिस करेंगे, हाथ का इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है, दा धीर 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 दा धीर धीर धीर। इसी को आप रिपीट पहले धीमे में करेंगे, और इसके बाद इस बोल को आप पूरा तीनों सप्तकों में प्रैक्टिस करेंगे सभी पर्दों में, और इसे फिर हम पहले बोल की तरह ही इसको भी हम दाहिने अपने लेफ्ट हैंड में बाएं हाथ में इसको हम तोड़ेंगे। जैसे कि अब इसमें हमें पहले दा है, फिर दीर है और दीर है दीर, यानी तीन दीर है। इसको हम लोग चार स्वर में अगर बजाएंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा, जैसे यानी कि दा धीर धीर धीर, ये बजा सा रे रे गा गा मा मा। तो जो हमारा पहला, इसके पहले वाले जो वीडियो में हमने बताया था सा रे गा मा मा, तो ये अलंकार भी आप प्रैक्टिस करेंगे, इसी के अंतर्गत ये आ जाएगा चार स्वर का जो अलंकार है सा रे गा मा रे गा मा पा। तो इसी में सा रे गा मा में सा रे रे गा गा मा मा रे गा गा मा मा। आप देख रहे हैं दाहिने हाथ में दा धीरे 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 चल रहा है और बाएं हाथ में सा रे गामा और रे गामा पा धा मापा धानी पाधा नि सा, और उल्टे में भी आपको ऐसे आने सा रे दा पापा नी दा पापा नी। इसमें आप देख रहे हैं फिंगर कैसे चल रही है, ये वाला सबसे लास्ट स्वर पे प्रयोग हो रहा है, यानी कि इधर से वापस आ रहे हैं तो ये पहले स्वर पर है और इधर से अंतिम स्वर पर है। तो ये हो गया दूसरे बोल का जो प्रयोग है, वो दो तरीके से, पहले आपको सिंगल सिंगल स्वर पे अभ्यास करना है
और इसके बाद इसे चार चार स्वरों में सारे गामा रेगा मापा गामा पाधा इसमें आरोह अवरोह करते हुए, और इसके बाद आप इसको सभी सप्तकों में यानी जितने पर्दे हैं आपके सभी पर्दों पर शुद्ध स्वरों में अभ्यास करेंगे। इसके बाद का बोल है दा रदा रदा। इसको लिखने के लिए देख रहे हैं जैसे दा फिर रदा एक साथ रहेगा और फिर डैश र एक साथ रहेगा और फिर दा रहेगा, इस तरीके से इसको लिखे हुए रूप में आप देख रहे हैं। और बजाने में इसको क्या करेंगे दा र दा अर दा, इसका जो बीट हो रही है इस तरीके से दा र दा र दा दा र दा र दा, यानी कि तीसरी मात्रा जो इसमें है वो ऑफ बीट की है र, इस तरीके से बोल रहे हैं। तो इसमें आप मिजरा कैसे चलेगा दा र दा र दा दा र दा र दा, यही चीज ठीक इसमें आपको बजानी है। और फिर इसको सारे पर्दों में भी अभ्यास करेंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा इसी बोल का, जिसको हम बाएं हाथ में इसको तोड़ेंगे। तो अब इसको तीन स्वरों में हम लेंगे सा सारे रे ग, यानी कि यानी सा बजाने के बाद जब हम सारे बजा रहे हैं तो इसमें रदा आ जाएगा, और रेगा बजाएंगे इसमें भी हमारा रदा आएगा। बोल क्या आ रहा है दा रदा रदा। तो जो सारेगा रेगामा गामापा वाला जो अलंकार था इसी पे इसको सेट करेंगे सा सारे रेगा रे रेगा गामा गा गामा मापा मा मापा पदा। और फिर वापसी में इसका सा सानी निधा, यानी सा एक बार बज करके सानी रदा और फिर निधा रदा। ये हुआ। तो इसमें आपने देखा कि पहले स्टेप में इसमें हम एक एक स्वर पर बजा रहे हैं दा रदा रदा को, और दूसरे वाले में इसमें हम सभी सप्तकों में बजा रहे हैं इसी को, और नेक्स्ट स्टेप में इसको हम तीन स्वरों पे ले रहे हैं सा सारे रेगा। ये पूरा करने के बाद इसको हम फिर यहाँ से फिर सभी पर्दों में कर लेंगे तो हमारे हाथ की सेटिंग और अच्छी हो जाएगी। और फिर इसका इसी तरीके से आपको अवरोह करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट बोल है दा अर दारा, यानी कि दा पहला बोल दा है, दूसरे में डैश र यानी कि ऑफ बीट है दा र दारा दा र दारा दा र दा रा, दूसरी बीट जो है वो ऑफ है। तो इसमें क्या करेंगे क्या चल रहा है दा र दा रा दा र दा रा, तो र जो है वो अगली मात्रा के जो दा है उसके साथ मिलकर के रदा हो जा रहा है, यानी कि दा र दा दा र दा रा, यानी पहली मात्रा में हमने बजाया दा, दूसरी मात्रा में ऑफ जब र ले लिया तो वो अगले तीसरी यानी मात्रा के जो दा है उसके साथ मिलकर के वो रदा बन जाएगा, यानी कि दा र दा और अंतिम मात्रा रा, यही चीज इसमें पूरे कॉम्बिनेशन में बन करके आ रही है।
इसको फिर आप पूरे सभी सप्तकों में कर लेंगे, और फिर इसके बाद करने के बाद इसको फिर बाएं हाथ में तोड़ेंगे तो क्या होगा, सा सा रे ग, या सा सा रे ग, सा सा रे ग, या सा रे सा रे रे ग, कई तरीके से इसको आप कर सकते हैं। बोल क्या आ रहा है, दा र दा र, स्वर क्या आ रहा है, सा सा रे ग दा र दा र, और ये फिर इसी तरीके से फिंगर आपके वैसी तरीके से चेंज होते जाएंगे। वापसी में कैसे आ रहे हैं, सा सा नी ध नी नी ध प दा र दा र दा र दा र ध प म प। तो ये बोल एक सप्तक में हुआ तोड़ करके, अब इसको फिर पूरे सप्तकों में आप अभ्यास कर डालेंगे यहाँ से लेकर। करके आप पूरा इसको पूरे सप्तकों में बजा करके अभ्यास कर लेंगे तो आपका हाथ और तैयार हो जाएगा। अब दो बोल और बचे हैं, जिसमें एक बोल है रदा दारा। ये बोल थोड़ा मुश्किल पड़ता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि जिन बोलों में दो दा का रिपीटेशन है उनमें ये अंतिम वाले ये दो बोल हैं, जिसमें कि पहला बोल मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। ये इसकी स्टार्टिंग ही ऑफ बीट से होती है, यानी कि रदा दा रा रदा दा रा रदा दा रा रदा दा रा रदा दा रा। इसको लिखते भी कैसे हैं आप देखिए, जैसे पहले डैश र एक साथ लिखेंगे, फिर दा लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर दा लिखेंगे और फिर रा लिखेंगे, यानी कि जहाँ भी दो दा अगर आते हैं तो उन दोनों दा के बीच में हमें एक कॉमा का प्रयोग करना है लिखते समय। तो क्या हो गया इसमें, डैश र दा कॉमा दा रा, यानी रदा दा रा रदा दा रा। और बजाने में भी क्योंकि ये र से शुरू हो रहा है तो ये काफ़ी मुश्किल बोल हो जाता है, अगर अभ्यास नहीं है तो इसे बजाना कई मायने में मुश्किल होता है। इसमें दो चीज़ें मुश्किल हैं, एक तो दा का रिपीटेशन हो रहा है और दूसरे स्टार्टिंग इसकी र से हो रही है, एकमात्र यही एक बोल है जो कि र से शुरू हो रहा है, वो भी ऑफ बीट से हो रहा है। तो कई डिफ़िकल्टीज इस बोल के साथ हैं, ऑफ बीट से शुरुआत, र से शुरुआत और दा का रिपीटेशन। तो इसलिए इसको आप अच्छे से अभ्यास और ज़्यादा अभ्यास करेंगे तभी ये बोल हाथ में आएगा। तो देखेंगे इसको कैसे, रदा दा रा रदा दा रा रदा दा रा रदा दा रा। ये अब तोड़ेंगे कैसे, तो इसमें सा सा रे ग सा 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 में रदा हो गया, अब दारा में रे ग, फिर से देखेंगे रदा दारा, फिर इसी तरीके से रे ग मा में बजाएंगे रे रे ग मा, और फिर इसको आप यहां से भी अभ्यास कर लेंगे। पूरा नीचे के पर्दे तक
तो हाथ के फिंगर का सेटिंग आपका अच्छा होगा। अंतिम बोल जो कि काफ़ी ये भी प्रयोग किया जाता है मुख्य रूप से तानों में, मस्जिद खाने की तान जब बजाई जाती है तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, और ये बोल है दा आदा अर दा, यानी कि इसके जो बीच की दो मात्राएं हैं ये ऑफ बीट है। दा अदा अर दा लिखा कैसे जा रहा है, दा फिर डैश दा और फिर डैश र और फिर दा, दा अर दा 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 र दा 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 र दा, यानी कि शुरुआत में और अंतिम में पहली और चौथी मात्रा में दा है, अब बीच में दा डैश दा है और फिर डैश रहे, यानी दा अदा अर दा। तो बीच की जो दोनों मात्राएं हैं वो ऑफ बीट में है, तो कैसे बोलेंगे, दा दा र दा 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 र दा 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 र दा 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 र दा। हाथ का एक्शन क्या होगा, दा दा र दा 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 र दा 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 र दा 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 र दा 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 र दा। तो अंतिम की जो तीसरी मात्रा है उसमें डैश र लगा हुआ है और इसके बाद चौथी मात्रा में दा है, तो जो तीसरी मात्रा और चौथी मात्रा मिलकर के रदा बन जा रहा है, यानी कि दा दा र दा, ठीक है। तो अब बजाने में आप देखेंगे तो इसका उसी तरीके से एक्शन आप करने के प्रयास करेंगे। ये करके इसको आप पूरा आरोह में अभ्यास करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसकी स्पीड बढ़ा करके धीरे धीरे आप प्रयास करके स्पीड बढ़ाएंगे। इसको तोड़ेंगे, तोड़ने में क्या करेंगे, सा सा रे गा या सा रे रे गा, तो सा में दा लग रहा है, सा डैश दा डैश रा और फिर गा, दा दा रे दा सा सा रे रे गा दा दा रे दा रे गा गा मा दा दा रे दा रे गा मा मा बा दा। उल्टे में सा नी नी धा, दा दा रे दा, और इसको फिर ऊपर से भी आप मंद्र सप्तक में भी बजा लेंगे, मध्य और तार तीनों में। ये कुल मिलाकर के 6-7 ऐसे बोल हैं जिनका कि सितार में बहुतायत प्रयोग किया जाता है, और ये बेसिक बोल हैं जिनको अगर आप अभ्यास कर लेते हैं तो इनका आप प्रयोग रजा खानी गत और मस्जिद खानी गतों में तान के रूप में भी आप कर सकते हैं, और आपके बजाने में और इसमें 4 चांद लगेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से सीखने में मदद मिलेगी और आप अच्छा सितार वादन करने का प्रयास करेंगे।